नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग जानते हैं जो नेट 11 की परीक्षा में महत्वपूर्ण कवियों की कुछ प्रमुख कविताएं लगी, उन्हीं कविताओं के क्रम में आपने पहला वीडियो देखा था भवानी बाबू की कविता गीत फरोश, जिसमें कवि गीत बेचने की बात करता है। आज उसी कवि की जो दूसरी कविता लगी हुई है महत्वपूर्ण कविता है सत उड़ा के जंगल। आज इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, आइए इसका श्रवण करते हैं। सतपुड़ा की जंगल, सतपुड़ा की खाली जंगल। सतपुड़ा आप सभी लोगों ने नाम सुना है, सतपुड़ा की श्रेणियां है भारत में। सतपुड़ा की घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है कास चुप है मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, वन पथ को ठग रहे से पंख दल में पल रहे से, चलो इन पर चल सको तो इन दलों को ये खिनौने घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। अटपट उलझी सी लताएं अलियों को खींच खाए, पैर को पकड़े अजाने प्राण को कसने कपाए, सांप सी कलियां लताएं लताओं के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुख पर और सेब के बाल मुख पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले छोटे छोटे झाड़ वाले शेर वाले बाघ वाले गरज और तीर वाले बाघ वाले गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। इन बनों को में इन बनों की खूब भीतर चार मुड़ के चार भीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, बिजन बन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूल डाले गोण तड़के और काले, जबकि होली पास आती सर सराती घास गाती और मुंह में है लप लपाती, मंत करती बांस जाती गूंज उठते ढोल इनके 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 बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डो खाईयों में, घास पागल कास पागल साल और पलाश पागल, लता पागल बाल पागल डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों की खूब भीतर इन वनों की खूब भीतर, क्षितिज थक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध धरती काली लहर वा मथित उच्छिप्त जहर वाला, मेर वाला शेष वाला सम और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों के ने गोंद पाले, लाख पंची सौ हिरण दल चांद की कितने कमल दल, झूमते वन फूलती कलियां यहां पर खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किल किस लय पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल। बहुत धन्यवाद। यह सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। आपने देखा कि जंगल के अंदर के विविध आयाम जो हैं, पशु पक्षी शेर और जंगल को मानवीकरण रूप में जो प्रस्तुत करने का प्रतीकात्मक शैली में कवि ने प्रयोग किया है, ये बहुत अच्छी कविता है। एक बार फिर से सुने, ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल कविताएं पढ़ें।
आइए देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य रचना यात्रा है उसको हम किस दिशा में देखते हैं और उनके मूल्य क्या है और आलोचकों के अलग अलग मत क्या है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भवानी बाबू का जन्म 23 मार्च 1913 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में हुआ, लेकिन आजकल नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में इस तरह के सवाल नहीं पूछता है कि किसका जन्म कहाँ हुआ। एक कवि के क्रम में रूप में वो दूसरे शतक से सबसे प्रमुख कवि हैं, ये जानना जरूरी है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें सबसे पहले गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सियां, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अनाम, तुम आते हो, शरीर, कविता, फसले और फूल, परिवर्तन, जिए, इदम नमम, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अनाम, तुम आते हो, परिवर्तन, जिए, इदम नमम, इत्यादि इनकी काव्य संग्रह। अब हमें देखना चाहिए कि इनकी काव्य संग्रह क्या है। इनकी काव्य में आप देख रहे हैं कि युग चेतना का ये संवहन कर रहा है। साहब दूसरे दशक का अज्ञेय ने जब भूमिका लिखा तो भवानी बाबू को बहुत ही इसमें कि अपनी युग और चेतना का संवहन करना एक कवि के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है। ये गांधी की विचारधारा को मानते हैं, उसमें इनका एक समर्पण है, एक भाव है। एक साहित्यकार के रूप में भवानी बाबू का सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो इनका सर्वोच्च काव्य संग्रह वो गीत फरोश ही इनका काव्य संग्रह है। उसमें गीत फरोश नाम से इनकी कविता कवि बेचना चाह रहा है अपनी स्थितियों के आधार पर, इस चीज को हम समझ सकते हैं। देखिए इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि नामवर सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही भवानी बाबू के बारे में, इसको जरा सुनिए। निसंदेह किसी कविता का सृजा हुआ संसार उतना ही मूल्य है, किंतु उस मूल्य की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि सृजा हुआ संसार कितना वास्तविक है, अथवा वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को कितना गहरा, कितना समृद्ध करता है, हमारे आसपास की संसार को अर्थ प्रदान करने में किसी कविता के अपने संसार की सार्थकता होती है। तो देखिए यहाँ पे निसंदेह रूप में हम नामवर सिंह की आलोचना को यहाँ समझ सकते हैं कि कविता का जो संसार रचा गया है वो वास्तविक संसार से कितना मैच करता है, चाहे गीत फरोश करता हो चाहे सतपुड़ा के जंगल करता हो, दोनों वास्तविकता की धरातल पे हैं। समाज में जो कवि की स्थिति है और समाज में जंगल की जो समृद्ध परंपरा है उस दोनों को हम इन कविताओं के माध्यम से देख सकते हैं। एक बात और बहुत देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भवानी बाबू ने का एक अदम्य जीविसा थी। आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी कवि जीवन में सत्य का साक्षात्कार करता है और आस्था एवं विश्वास के साथ यात्रा जारी रखते हैं। इसका मतलब कवि ने सत्य और विश्वास के साथ आस्था जो मध्यकालीन चिंतन साधना का एक केंद्रीय तत्व रहा है, आस्था, लेकिन बदलते हुए राजनैतिक परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र में मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यों की रचना करना और उसको वास्तविकता से जोड़ना भवानी बाबू की सबसे बड़ी सफलता है। इनके काव्य में एक सहजता और नैसर्गिक प्रतिभा का हमें समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा भी बहुत सरल आसान शब्दों के प्रयोग के साथ प्रवाह महता है, कोई कलात्मकता नहीं है, लेकिन एक मुक्त छंद के माध्यम से मुक्तता के आधार पर काव्य में गीयता का स्वर जरूर दिखाई देता है। तो आखिर में हमें लिखना पड़ेगा कि आखिरकार मेरा बोलना क्या है, भवानी बाबू क्या कहना चाह रहे हैं समाज को, ये हमें समझना चाहिए। मैं जो लिखता हूं उसे जब बोलकर देखता हूं और बोली में उससे बजती नहीं है तब मैं पंक्तियों को हिलाता और डुलाता हूँ, बोल चाल की हिंदी ही मेरी ताकत है। देखिए हमारी बाबू ने स्वयं अपनी बात को कह दिया कि जो मेरी ताकत है वो बोल चाल की हिंदी है। देखिए वो दोनों कविता में सामान्य और सहज शब्दों का इस्तेमाल करके कविता में एक प्रभाव लाते हैं, वो हम सबको आकर्षित करता है। तो आगे कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तुम लिख, गीत फरोश कविता में उन्होंने ये लाइन लाई है कि जिस तरह तू बोलता है जब उस तरह तू लिख,
हालांकि भाषा में आत्मीयता, अंतरंगता और स्पष्टता का स्वाभाविक समावेश हुआ है, पर कालेई खंड काव्य और गीत फरोश में कुछ कविताओं में तत्सम शब्दों का भी बाहुल्य है। इतना ही भवानी बारों के बारे में आप लोग जानिए, सुनिए, याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।